और बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद उत्तर पूर्व दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के कार्यालय में यहां पर बीजेपी कार्यकर्ता और साथ ही आम जनता की जमकर भीड़ उमड़ी और जहां लोगों ने फूल बुके देकर और साथ ही मिठाई खिलाकर उनका जोरदार स्वागत किया। आप लोगों को श्रेय जाता है, मीडिया को जाता है जिन्होंने सारी बातें सच सच दिखाई है। अरविंद केजरीवाल की निगेटिविटी को बार बार आपने दिखाया। जब उसने अपने को थप्पड़ मरवाया तो आपने कहा कि तो हर टाइम ऐसा ही मरवाता है थप्पड़। तो ये सारी चीजें जो आपने सही सही दिखा दिया उसी का ये परिणाम है सर। और एक और दूसरा सवाल है कि जो ऐसा कि सभी पूछ रहे हैं कि 2020 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव में तो आप शुरू से कहते आ रहे थे कि दिल्ली की लोकसभा 7 के 7 सीटें बीजेपी जीतेगी, तो क्या विधानसभा की 70 सीटों पे आपको क्या लगता है कि कौन जीत सकता है? वो 70 में 60 सीट बीजेपी फिर जीतेगी ना? अब क्योंकि आपकी कई हर भविष्यवाणी सत्य साबित हो रही है। नहीं, चूंकि हम जनता के जनता को दिलों से जोड़ते हुए हम बात करते हैं, हम गलत बोलना नहीं चाहते हैं और हम जो जनता के भाव है होते हैं उनको समझता हूँ। जनता के लिए हमें जेल भी जाना पड़ता है, सीलिंग की परेशानी आई तो सीलिंग हम तोड़े कि अरविंद केजरीवाल तोड़ा, जेल जाने को हम तैयार हुए कि अरविंद केजरीवाल हुआ, तो अरविंद केजरीवाल के कारण तो बच्चे हमारे मास्क लगा के स्कूल में जाने को मजबूर हैं, सीवर में हमारे सफाई कर्मचारी मरने को मजबूर है, ठंड में ठिठुरते हुए लोग सड़कों पे दिल्ली में मरने को मजबूर हैं। तो ऐसे अरविंद केजरीवाल को एक धोखा दे दिया, अब और दिल्ली को धोखा दे नहीं सकते। सर, देश की जनता ने जिन मुद्दों जिन विकास के आधारों पे फिर से मतलब बीजेपी को सत्ता में लाया है, क्या वो कितने खरी उतरेगी भारतीय जनता? अब तो खरी उतर चुकी है, अब तो और ज्यादा पांच साल कितनी और खरी उतरेगी? इतनी खरी उतरेगी दूसरी पार्टी वोट ही नहीं मांग पाएगी।